आलू मटर पराठा देख के हमने डाइट से कर लिया आज फाइट। अब डाइट टूट ही गई है तो चाय भी पी लेते हैं। और हमारा इंदौर भी ना ऐसे मुंबई और दिल्ली के ट्रैफिक की तरह होते जा रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ब्रेकफास्ट में खाएंगे आलू मटर और पराठा। आलू मटर पराठा देख के हमने डाइट से कर लिया आज फाइट। और रियलिटी तो ये है ना कि इंडियंस के लिए डाइट करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि फूड इतना डिलीशियस लगता है, मतलब इतना मसालेदार, कैसे डाइट हो? डाइट टूट ही जाती कितना भी ट्राई करो, मुझसे तो नहीं हो रही है। अब डाइट टूट ही गई है तो चाय भी पी लेते हैं, ऐसे रेगुलर तो नहीं, बट हाँ जब मौसम अच्छा लगता है, मन करता है या चाय पीने का मन कर रहा है तो चाय पी लेते हैं। तो आज जाएंगे एनिमल मूवी देखने, तो फटाफट चाय ख़त्म करते हैं और निकलते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको पता होगा कि आप कहीं पे भी टाइम से नहीं पहुंच सकते, आप लेट होते ही हो। तो मैं तो रेडी हो गया हूँ लेकिन फैमिली अभी रेडी नहीं हुई है, इसलिए मैं उनका वेट कर रहा हूँ। चलो जाते हैं, क्रेटा की स्थिति देखते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं गाड़ी को और चलते हैं। विंडशील्ड ग्लास बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ग्लास गंदा रहता है ना गाड़ी नहीं चलती मुझसे, तो साफ़ करते हैं। ओ भाई वाइपर में पानी नहीं है और गंदा कर दिया मैंने, पहले वाइपर में पानी डालते हैं, ऑलरेडी लेट हो गए, चलो फटाफट पानी डालते हैं। और निकल गए हैं हम लोग मूवी देखने के लिए, एक्साइटेड हूँ। रणबीर के फैन है अपन, पसंद है रणबीर कपूर बहुत अपने को, देखते हैं मूवी कैसी है। ऐसे तो मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा है और मैं करीबन मूवी अब निकलने वाली है और मैं देखने जा रहा हूँ, तो मुझे रिव्यूज़ वगैरह तो पता चल गए हैं मूवीज़ के कि मूवी बहुत ही अच्छी है, मतलब बढ़िया है, रेटिंग्स भी अच्छी आई है, वायलेंस ज़्यादा है और एंटरटेनिंग मूवी है, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना सब कुछ मुझे पता चल ही गया है। अब देखने मैं तो उसकी एक्टिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है, उसकी बर्फी, रॉकस्टार, वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज़ हैं। और है ना पास में थिएटर होने का है ना एक फ़ायदा है कि अगर आप लेडी हो जाओ तो फटाफट पहुंच जाते हो, पहले मतलब कि अभी तो हमारे पास में राजनगर में यू सिनेमा है तो वहाँ चले जाते हैं तो इजी रहता है, बहुत पास में है। पहले से TI वगैरह जाना रहता था, विजयनगर जाना रहता और लेट हो गए तो फिर कैंसिल ही करो, मतलब मूवी देखो तो स्टार्टिंग से देखो, लेट क्यों होना। बट हाँ यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा तो लेट हो जाऊँगा और मूवी स्टार्ट हो जाएगी, चलो देखते हैं। और है ना मूवी और ट्रेन, इन्हें ना पकड़ने की क्यूरियोसिटी एक अलग ही लेवल की होती है यार, फटाफट चलते हैं, ट्रेन छूट जाएगी। और मूवी का ऐसा है कि फटाफट जाएं, मूवी स्टार्ट ना हो जाए, आगे का पार्ट नहीं निकल जाए, स्टोरी समझ में नहीं आएगी, मतलब ऐसा रहता है ना कि जल्दी जाओ। और हमारा इंदौर भी ना ऐसे मुंबई और दिल्ली के ट्रैफिक की तरह होते जा रहा है यार, ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं इंदौर का, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। आप इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा AU और जल्दी से गाड़ी पार्क में लगाएंगे और भागते हैं मूवी पकड़ने के लिए। एनिमल तो अब आया है, हैं कौन सी मूवी देखने जा रहे अपन? एनिमल। और ये राजेंद्र नगर का हमारा ये सिनेमा, तो भाई रियली मूवी स्टार्ट हो गई है, चलो देखते हैं कितने निकली है। और ये तो मुझे कैप्चर करना ही था, लॉर्ड बॉबी की एंट्री। और आप सोच रहे होंगे इतना अच्छा गाना क्यों नहीं डाला, और ये खुद की आवाज वॉइस ओवर करी है मैंने, कॉपीराइट इशू लग जाएगा, इसलिए कॉपीराइट इशू से बचना चाहते हो तो अपना जो ओरिजिनल ऑडियो उसे म्यूट रखो। आप अगर किसी का दूसरे का कंटेंट अगर यूज कर रहे हो, म्यूजिक यूज कर रहे हो, तो कॉपीराइट लगेगा ही लगेगा। एस्टन, एस्टन लाइट बताओ, शूज की लाइट बताओ, ये
पॉपकॉर्न खाने में मस्त है। ऐसा मूवी कैसी है? अच्छी है। कौन सी मूवी है? एनिमल। कौन सी मूवी है? एनिमल। क्या हो रहा है स्टन को? सुसवारी। चले चलते चले चलो शिशु का क्या आते हैं। और ये हमारा यू सिनेमा, और मूवी देखना है तो पॉपकॉर्न और समोसा खाना तो कंपलसरी है हमारे लिए। एक्शन पापा, 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। लास्ट सीन ने और ये गाने ने कर दिया थोड़ा सा इमोशनल। मूवी अच्छी थी, अगर मूवी की रिव्यू की बात करें तो इंटरटेनिंग थी। वायलेंस खूब ज़्यादा था मूवी में, और लॉजिक वगैरह एजुकेशनल ऐसा कुछ भी नहीं है। और एज एंटरटेनमेंट पर्पज़ पे देखो तो मूवी बहुत अच्छी है, इंटरटेनिंग मूवी है बस। और कोई गाली नहीं देगा मुझे, मैंने इतने सारे क्लिप दिखा दिए, मैं ऑलरेडी व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट डाल रहा हूँ। सबने ये मूवी देख ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो मूवी अभी OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ गई है, नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हो। सो मूवी इज़ गुड एंड रणबीर की एक्टिंग इज़ गुड, आप उसकी एक्टिंग के लिए मूवी देखो। और आज के व्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।